नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। पिंपरी चिंचवन में कचरे के ढेर की सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी को सोने चांदी के आभूषणों से भरा एक बैग मिला। कर्मचारी ने ईमानदारी दिखाते हुए उस बैग को उसकी असली मालकिन तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया में इस शख्स की तारीफ भी हो रही है। रविवार दोपहर पिंपरी चिंचवन के मोहसी डंपिंग ग्राउंड पर सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान हेमंत लखा नाम के कर्मचारी को एक बैग मिला। हेमंत ने जैसे ही बैग खोला उसकी आंखें फटी रह गई। बैग में लाखों सोने के आभूषण थे, उसमें एक चैन और कुछ अंगूठियां भी थी। संयोग यह था कि बैग में एक पता लिखा हुआ पर्चा भी रखा था। लखन ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में बताया और महिला से संपर्क करने का प्रयास किया। कुछ घंटे के प्रयास के बाद महिला को खोज लिया गया। महिला को जैसे ही पता चला कि उन्होंने गलती से आभूषण वाला बैग कचरे में फेंक दिया था तो उनके पैरों तलों से जमीन खिसक गई। महिला बिना वक्त गवाए डंपिंग ग्राउंड पहुंची और पहचान बता हेमंत लखन से अपना बैग लिया। महिला ने बताया कि एक दिन पहले वह गांव से लौटी थी। घर की सफाई के दौरान उन्हें एक पुराना बैग मिला। महिला ने उसे खाली समझ कूड़े में फेंक दिया था। बैग मिलते ही महिला अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसने हेमंत का शुक्रिया अदा किया। महिला ने बताया कि उन्होंने यह आभूषण अपनी बहू के लिए बनवाए थे। बैग लौटाने वाले हेमंत लखन ने कहा कि मिडिल क्लास परिवार किस तरह पाई पाई जोड़ कर सोना खरीदता है। महिला की पर्स उन्हें लौटा कर मन को संतुष्टि मिली है। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।